अस्सलाम वालेकुम, दिस मोहम्मद इकबाल भाभा हेयर। वेलकम अगेन टू दिस फ्री रिलीज ऑफ द पाइथन विच आर अवेलेबल ऑन माय यूट्यूब चैनल। दिस इज इकबाल भाभा, माई सेल्फ अ पाइथन डेवलपर एन ACCA क्वालिफाइड एंड ऑल्सो द एक्टिंग एज अ विजिटिंग फैकल्टी मेंबर एट NED फॉर द बिजनेस एंड द फाइनेंशियल रिलेटेड सब्जेक्ट्स, स्पेसिफिकली फाइनेंस एंड फाइनेंशियल डेरिवेटिव एंड फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट सब्जेक्ट फॉर अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स, and also acting as a visiting faculty member at Focus Point for CA and ACCA subjects, and acting as a business senior business financial analyst at Unique Agencies and the Bhabha Group for the last 8 to 10 years. और इस सीरीज़ के अंदर आज की तारीख में हम एक और नई चीज़ सीखेंगे, और वो नई चीज़ क्या है सर? वो नई चीज़ हम सीखेंगे डाटा टाइप्स के ऊपर। थोड़ा सा मैं आपको डाटा टाइप बताता चलूँ कि सर ये डाटा टाइप होते क्या हैं। और वैसे तो हर लैंग्वेज के अंदर डाटा टाइप्स होते हैं, लेकिन पाइथन के अंदर डाटा टाइप्स, तीन किस्म के डाटा टाइप्स के ऊपर आज मैं स्पेसिफिकली बात करना चाहूँगा। नंबर वन डाटा टाइप जो पाइथन के अंदर होता है वो है स्ट्रिंग्स। नंबर टू डाटा टाइप जो इसके बारे में बात करूंगा वो है इंटीजर। और नंबर थ्री जो डाटा टाइप है उसके ऊपर मैं बात करूंगा वो है फ्लोट। सर ये स्ट्रिंग्स, इंटीजर, फ्लोट क्या चीज़ है इसको ज़रा समझिएगा। देखिए, स्ट्रिंग्स का मतलब कोई भी टेक्स्ट फॉर्म के अंदर आप कोई भी चीज़ लिखते हैं वो स्ट्रिंग बन जाती है। इवन अगर आप कोई नंबर भी टेक्स्ट फॉर्म के अंदर लिखते हैं तो वो भी इंटीजर बन जाती है। फॉर एग्जाम्पल, मेरा नाम है ना इकबाल, ये अगर मैं इसको इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखूंगा, अच्छा डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर या सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर बात सेम होगी। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको ऐसे लिखूं या ऐसे लिखूं, इट वोंट मेक एनी डिफरेंस। पाइथन विल अंडरस्टैंड बोथ कि ये दोनों ही टेक्स्ट फॉर्म है और दोनों ही स्ट्रिंग्स हैं। अगर फॉर एग्जाम्पल मैं इकबाल को बगैर इन्वर्टेड कॉमा के लिखता हूँ तो पाइथन विल गिव मी द एरर। अभी हम इसको डिस्प्ले करके भी देख लेते हैं। अगर मैं इसको सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखता हूँ या डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखता हूँ, दैट वोंट गिव मी एनी एरर एंड पाइथन विल कंसीडर इट एज अ स्ट्रिंग। लेकिन अगर फॉर एग्जाम्पल मैं कोई नंबर है, टू है, मैं टू को भी अगर इस तरह कैसे लिखता हूँ इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, तो भी पाइथन इसको स्ट्रिंग के तौर पे लेगा। समझ आ रही बात? तो पाइथन को ये नहीं पता कि भाईजान आपने जो टू लिखा है ना, वो मतलब वो स्ट्रिंग नहीं है। वो समझेगा कि भाईजान ये स्ट्रिंग है, ठीक है जी। वो इसलिए इसको स्ट्रिंग समझेगा क्योंकि भाईजान आपने इसको इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखा है। तो ये जो भी टेक्स्ट फॉर्म में जो चीज़ें होती हैं ना, इसको हम स्ट्रिंग्स कहते हैं। और ये सिंगल इन्वर्टेड कॉमा या डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखना लाजमी है। अगर इस टू को आपने सिंगल इन्वर्टेड कॉमा या डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर नहीं लिखा तो पाइथन इसको इंटीजर समझेगा। इंटीजर का मतलब कोई भी नंबर, आसान अल्फाज में बता रहा हूँ, कोई भी नंबर, लेकिन होल नंबर होना चाहिए, डेसिमल में नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर डेसिमल में कोई चीज़ आ गई ना तो वो निकल गई फ्लोट में, ठीक है, वो हो गई फ्लोट। ये दिमाग में रखिएगा। तीन किस्म के डाटा टाइप्स, वैसे बहुत सारे डाटा टाइप्स हैं, लेकिन तीन किस्म के डाटा टाइप्स के ऊपर मैं आज की वीडियो रख रहा हूँ। नंबर्स का मतलब फॉर एग्जाम्पल 2, 4, 5, 6, 9, और डेसिमल का मतलब 10.4, 1.3 या फॉर एग्जाम्पल 8.3, एनी होल नंबर जिसके अंदर आप डेसिमल लेकर आ जाए तो उसको हम फ्लोट नंबर कहते हैं, ठीक है। तो स्ट्रिंग्स हो गया टेक्स्ट, इंटीजर हो गया फॉर एग्जाम्पल नंबर्स, और डेसिमल जो भी डेसिमल में जो चीज़ आएंगी उसको हम फ्लोट कहेंगे। और अगर आप फ्लोट को भी एज इन्वर्टेड कॉमा ले लेंगे तो पाइथन इसको भी स्ट्रिंग समझेगा। ये बड़ी ज़बरदस्त किस्म की बात है कि इसको भी स्ट्रिंग समझेगा। तो ये बात दिमाग में रखिएगा कि इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जो भी चीज़ आएगी उसको हम स्ट्रिंग कहेंगे, चाहे वो सिंगल इन्वर्टेड कॉमा हो या डबल इन्वर्टेड कॉमा। और अगर आपने होल नंबर लिखा इसको हम इंटीजर कहेंगे, अगर आपने फ्लोट लिखा तो इसको हम, यानी कि अगर आपने कोई चीज़ पॉइंट्स में लिखी तो इसको हम फ्लोट कहेंगे। सवाल ये है सर कि क्या हमें पाइथन को ये बताना ज़रूरी है कि जो मैं लिख रहा हूँ वो स्ट्रिंग है? क्या ये बताना ज़रूरी है कि जो मैं लिख रहा हूँ ये इंटीजर है? देखिए, सी की जो लैंग्वेजेज है ना, इसके अंदर ये बताना ज़रूरी होता है कि भाईजान जो आप लिख रहे हो ना वो str है या वो int है या वो फ्लोट है, आपको बताना ज़रूरी होता है। लेकिन पाइथन एक ऐसी लैंग्वेज है जिसमें आपको बताना ज़रूरी नहीं है। यू डोंट नीड टू स्पेसिफाई द डाटा टाइप बिफोर राइटिंग द डाटा टाइप। आप अगर इन्वर्टेड कॉमा में लेंगे वो समझ जाएगा स्ट्रिंग्स है, आप डेसिमल में लेंगे वो समझ लेगा फ्लोट है, अगर आप होल नंबर में लेंगे वो समझ लेगा इंटीजर है। तो दिस इज वॉट यू नीड टू अंडरस्टैंड क्लास, कि ये तीन किस्म के डाटा टाइप्स के ऊपर आपको आपको पता होना चाहिए ये तीन किस्म के डाटा टाइप पाइथन के अंदर होते क्या हैं। एज इट इज़ नॉट अ फुल फ्लैच कोर्स, दिस इज़ अ काइंड ऑफ अ टीजर वीडियो विच आर देयर टू हेल्प यू, टू मोटिवेट यू, टू मेक यू अंडरस्टैंड द पाइथन। इफ यू आर डेवलपिंग द इंटरेस्ट इन पाइथन, सो यू कैन इनरोल योर सेल्फ विद अस फॉर अ फुल फ्लैच कोर्स। इफ यू आर नॉट डेवलपिंग द इंटरेस्ट इन पाइथन, तो डोंट वेस्ट टाइम, गो फॉर अनदर कोडिंग। इफ यू आर नॉट फॉर एग्जाम्पल डेवलपिंग द इंटरेस्ट इन कोडिंग, सो लीव द कोडिंग एंड एटलीस्ट लर्न एनी अदर एस्पेक्ट्स ऑफ IT. देर आर लॉट्स ऑफ डायनेमिक्स ऑफ IT एंड देर इज अ लॉट ऑफ स्कोप ऑफ IT इन पाकिस्तान, इवन इन द मिडल ईस्ट, इवन इन द इंटरनेशनल एंड फॉरेन कंट्रीज। तो ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि एक, यू स्टार्ट गेटिंग टू नो अबाउट मी, आई स्टार्ट गेटिंग टू नो अबाउट माई व्यूअर, एंड यू स्टार्ट डेवलपिंग द इंटरेस्ट इन पाइथन बिफोर यू इन्वेस्ट योर अमाउंट ऑफ मनी एंड टाइम एंड एनर्जी। तो ये दिमाग में रखिएगा। तो दिस इज इट फॉर टुडे क्लास, टिल आर नेक्स्ट क्लास अपना ख्याल रखिएगा। और नेक्स्ट क्लास के अंदर इंशाल्लाह, नेक्स्ट वीडियो के अंदर और भी चीज़ों के ऊपर
बात कर रहे होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।